एक्सरसाइज 19.8 क्वेश्चन नंबर 46 हमें इंटीग्रेट करना है 10 2x इंटू 10 3x इंटू 10 5x dx को। तो tan a प्लस बी कितना होता है, यानी tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 माइनस होता है इधर। ठीक है, तो 5x को ब्रेक कर लो 2x और 3x की फॉर्म में, tan 5x कैन बी रिटर्न एज 2x, tan 2x प्लस 3x, इसको a बोल लो, इसको b बोल लो, उससे इसका एक्सपेंड कर दो, इधर आएगा tan 2x प्लस tan 3x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan 3x। ये क्या है, 5x है, इसको 5x ही रहने दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, tan 5x माइनस ऑफ tan 5x tan 2x tan 3x इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan 3x। ये जो माइनस का दिखाई दे रहा है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, इन दोनों पार्ट्स को लेफ्ट साइड में इधर शिफ्ट कर दो, tan 5x माइनस tan 2x माइनस tan 3x इक्वल्स टू, ये यहां पर आके प्लस का हो जाएगा, tan 5x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। अब ये जैसा ही है पूरा, तो इसको रिप्लेस कर सकते हो इससे, तो एक्चुअल में हमें अब इंटीग्रेट जो करना है वो करना है tan 5x माइनस tan 2x माइनस tan 3x को। ठीक है, अब इसका फायदा ये रहा कि इंटीग्रेशन कभी प्रोडक्ट फॉर्म में तो होता नहीं है, तो इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हमें प्लस माइनस में टर्म दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना आसान है, टेन एक्स का तो पता ही है, लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स उसके हिसाब से करेंगे। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का हमें पता है वो होता है लॉग मोड सेक एक्स। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं टेन 5x को हम कितना बोलेंगे, इसका आएगा हमारे पास 1/5 लॉग मोड सेक 5x अपॉन 5। सब्स्टिट्यूशन से जब इसको t मानोगे 5x को, तो नीचे तुम्हें 5 दिखाई देगा, ऐसे ही इसको बता सकते हो ये कितना आएगा, माइनस लॉग सेक 2x अपॉन 2, और इसको हम बोल पाएंगे माइनस ऑफ लॉग सेक 3x अपॉन 3 प्लस सी, यही आ रहा है सर। तो ठीक है,